हनुमान जयंती के अवसर पर भगवा रैली का आयोजन किया गया। भगवा रैली डोंगरी वाले बालाजी मंदिर की ओर से निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पर संपन्न हुई। रैली में सैकड़ों की तादाद में शहरवासियों ने भाग लिया। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर समिति संरक्षक सुनील दत्त जैन ने बताया कि भगवा रैली पिछले 10 वर्षों से निकाली जा रही है। रैली में भगवाधारियों ने जय बजरंगबली के नारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। अवसर पर नगर के कुछ प्रमुख उत्साही लोगों ने एक से 10 वर्ष पहले कार्यक्रम हाथ में लिया भगवा रैली का। ये 10 वर्षों से रैली लगातार अजमेर की धरती पर आयोजित की जा रही है और प्रतिवर्ष और अधिक संख्या में शहर के युवा इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हिंदू समाज में हनुमत शक्ति का जागरण करना और उसके माध्यम से अपने सुप्त हिंदू समाज में और संगठन का भाव निर्माण करना, यह भी हमारी इस रैली का उद्देश्य है। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अनुशासित तरीके से निकलेगी। सर पे भगवा रंग का साफा सजाकर, हाथ में भगवा पताका लेकर अपने समाज के हिंदू युवक इस रैली में भाग लेने वाले हैं और डूंगरी वाले बालाजी पर यह प्रसादी के साथ और महाआरती के साथ यह भगवा रैली का समापन हो रहा है। इस प्रकार शहर के कोई 3 से 5 हज़ार युवक इस रैली में आज यहाँ पर भाग ले रहे हैं। आपका नाम? सुनील दत्त जैन, संरक्षक डूंगरी वाले बालाजी मंदिर कार्य समिति।